नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में मान्यता है कि ये पौधा पैसे को चुंबक की तरह घर में खींचता है। जिस तरह भारत में वास्तुशास्त्र होता है, उसी तरह चीन में इस विद्या को फेंगशुई के नाम से जाना जाता है। फेंगशुई शास्त्र के अनुसार एक पौधा ऐसा होता है जो घर में पैसे को चुंबक की तरह खींच लेता है। इस पौधे का नाम है क्रासुला। वैसे तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उम्मीद के अनुसार पैसा नहीं मिल पाता। आज के दौर में रुपयों के बिना अच्छी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इसीलिए लोग कई तरह के प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि ज्योतिष उपाय, घर में वास्तु उपाय। कुछ लोग अपने घर में मनी प्लांट का पौधा भी लगाते हैं। आपने भी कई घरों में मनी प्लांट के पौधे लगे हुए देखे होंगे। कहा जाता है कि इस पौधे के घर में होने से पैसे की आवक होती है और ये सूप रहता है। लेकिन क्रासुला पौधे का महत्व मनी प्लांट से कहीं ज़्यादा माना जाता है। इस पौधे को मनी ट्री कहा जाता है। फेंगशुई के अनुसार इस पौधे को घर में रख देने मात्र से ये पैसे को अपनी ओर खींचता है। इस पौधे की पत्तियां चौड़ी होती है, इन्हें हाथ लगाने पर मखमली एहसास होता है। इसकी पत्तियों का रंग लाल और पीला मिक्स होता है, ना तो ये पूरी तरह लाल होता है और ना ही पीला। इसकी पत्तियां दूसरे पत्तियों के तरह कमज़ोर नहीं होती, यह हाथ लगाने पर मुरझाती नहीं है और ना ही टूटती है। इसकी देखभाल में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, मनी प्लांट की तरह यह ज़्यादा देखभाल नहीं मांगता। इसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि 2-3 दिन बाद भी पानी दिया जाए तो यह पौधा सूखता नहीं है। क्रासुला घर के अंदर छाव में भी पनप सकता है, यह आपके घर की ज़्यादा जगह नहीं घेरता, इसलिए आप इसे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। इस पौधे को घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना चाहिए, जहाँ से घर में प्रवेश करने का दरवाज़ा खुलता है, इसके दाहिने ओर इसे रखें। कुछ ही समय में यह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और पैसे के साथ साथ घर में सुख शांति भी लाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपके घर में चुंबक की तरह पैसे को खींचता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।